बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इमेज स्टेबलाइजेशन की। आईफोन 12 प्रो मैक्स में जो ख़ास फीचर है इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आईफोन एक्स हो गया या 11 है, 11 प्रो मैक्स है या 11 है, उसमें इस तरह तो काम नहीं करता होगा। या तो मेरा ख्याल है उसमें है ही नहीं ये फीचर। तो आज हम आपको इमेज स्टेबलाइजेशन करके दिखाएंगे आईफोन 12 प्रो मैक्स की। इसका क्या रिज़ल्ट है, इसका क्या फीचर्स है, ये किस तरह काम करता है। पहला जो इसका क्लिप शॉट हम इमेज स्टेबलाइजेशन का बनाएंगे वो वॉक करते हुए बनाएंगे, और जो दूसरा शॉट है वो हम भागते हुए बनाएंगे, और तीसरा शॉट अल्ट्रा वाइड के ऊपर हम बनाएंगे। ये मैं वॉक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज स्टेबलाइजेशन क्वालिटी आईफोन 12 प्रो मैक्स की। अभी हम ये सिंपली नॉर्मल स्पीड में ही वॉक कर रहे हैं, तो अभी हम दौड़ के भी इसका एक शॉट बनाएंगे। ये अब मैं दौड़ के एक इमेज स्टेबलाइजेशन का शॉट बनाने लगा हूँ आप मेरे साथ। जी तो आपने देखा कि हमने इमेज स्टेबलाइजेशन की वीडियोस बनाई हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि हमें इसमें ना कोई गिम्बल की ज़रूरत है आईफोन 12 प्रो मैक्स में, और ना ही किसी अल्ट्रा वाइड लेंस की ज़रूरत है। अगर आप DSLR भी परचेज़ करते हैं या अगर आपके पास है तो पास है। अच्छा, आपके पास है ये बैग। ये आप बैग देख सकते हैं, इसमें DSLR है और ये किसी काम का नहीं है, और क्योंकि इसके लिए भी आपको अलहदा से अल्ट्रा वाइड लेंस खरीदना पड़ता है। Exactly. जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया प्राइस है जिसकी। तो इसकी आप इमेज स्टेबलाइजेशन देख सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको किसी गिम्बल की जरूरत है ना अल्ट्रा वाइड लेंस की जरूरत है। तो इसके लिए तो आपको गिम्बल की भी जरूरत पड़ती होगी और अल्ट्रा वाइड लेंस की भी जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल सही है। स्टेबलाइजेशन के लिए जो ये है DSLR, इसको कम से कम 50,000 का आता है वो इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए ना। तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, चाइना की कंपनी का एक है। अच्छा, तो वो उससे स्टेबल करना पड़ता है, और इसके लिए फिर जो लेंस है वो आपको अल्ट्रा वाइड लेना पड़ता है। वो तकरीबन इसकी इतनी प्राइस है, 1.5 लाख। हाँ, तकरीबन इतनी यूज भी 60-70 हज़ार से कम नहीं आता। तो ये इसमें तो सारी चीज़ें आपको बिल्ट इन मिल रही हैं, स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जबरदस्त। हाँ जी बिल्कुल, आपके पैसे जो है ना वो पूरे हो गए हैं, हलाल हो गए। तो ये है कि ग्रेट फोन। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सी ऐसी कोई डिवाइस है जो इस फ़ोन का आईफोन 12 प्रो मैक्स का इमेज स्टेबलाइजेशन का मुकाबला कर सके। क्यों भी ज़हर, आपको लगता है कोई ऐसी डिवाइस होगी? मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जिसमें इतने सारे फीचर्स, जिसमें आपको मोबाइल भी मिल रहा है, मोबाइल के साथ आपको और बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और साथ में फिर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है और स्टेबलाइजेशन मिल रही है, तो मेरे जहन में तो अभी कोई इसके अलावा कोई डिवाइस नहीं आ रही। कैमरा की अगर बात करें वो भी 2-3 लाख 4 लाख रुपए तक कैमरा चला जाता है अगर आप ये सारे फीचर एक जगह पर लेना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।